नमस्कार प्यारे किसान साथियों, देखिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का पैसा आने वाला है। तो देख लीजिए, अभी अभी 2 घंटे पहले की मैं न्यूज दिखा रहा हूँ, ये अपडेट कर दिया गया है भाई, साफ साफ बता दिया गया है। दैनिक जागरण में भी बता दिया गया, अमर उजाला में भी बता दिया, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि भाई आज तक न्यूज चैनल में भी साफ साफ बता दिया गया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का पैसा आएगा। कब आएगा तो चलिए इसकी भी हम पुष्टि कर लेते हैं कि कितने किसानों को मिलेगा और कब तक मिल जाएगा पूर्ण रूप से। तो देखिए, अक्टूबर में आएगी ये किस्त। मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि अक्टूबर में 21 दिन जारी होगा पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त। और देखिए मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को कुछ कागजात दुरुस्त करके रखना होगा, वरना आप लोगों को परेशानी होगी पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त का पैसा पाने में, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम आपको बता दें, मोदी सरकार की तरफ से 2018 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका मकसद था गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को मदद देना। यानी कि भाई जो लोग गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन किसानों को मदद देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी। अब देखिए, 3 किस्तों में हर साल 6,000 रुपए की धनराशि दी जाती है, 2,000 रुपए करके। इसके लिए आप लोगों को बेहद जरूरी काम जो है अपना ई-केवाईसी करवाना है। यानी कि ई-केवाईसी के माध्यम से भाई आप लोग अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके अपने पहचान की पुष्टि कर सकते हैं। ई-केवाईसी कराना बेहद ही आसान है, इसे घर बैठे ऑनलाइन तरीके से किया जा सकता है। यदि आप खुद से यह काम नहीं कर पाते हो तो आप लोग अपने नजदीकी सीएससी सेंटर केंद्र पर जाएं और अपने बैंक में जमा कर, यानी कि भाई वहां से जाकर आप लोग अपना ई-केवाईसी करवा सकते हैं। जमीन का यानी कि सत्यापन भी जरूरी है, तो भाई देखिए फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए आप लोग अपने जमीन का सत्यापन करा ले। और देखिये, जल्द ही 18वीं किस्त जारी होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि देखिये 17वीं किस्त को जारी हुए काफी समय हो चुका है, इसीलिए अब 18वीं किस्त का पैसा मिलेगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर कोई परेशानी हो रही है 18वीं किस्त के पैसे में आने में, तो आप लोग हेल्पलाइन नंबर की मदद ले सकते हैं, 1455 यानी कि 14599 पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये हेल्पलाइन नंबर है, और भी तमाम हेल्पलाइन नंबर दिए गए जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 12 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की किस्त ट्रांसफर कर दी है। पीएम मोदी अब कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। गूंज सुनाई दे रही है चारों तरफ, किसानों को सीधी मदद देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि आज उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती से देश के करोड़ों किसानों के चरणों में अर्पित करता हूं। नमस्कार प्यारे किसान साथियों, देखो सुबह सुबह ही मोदी जी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी थी और मैं अभी वीडियो बना रहा हूं। उन्होंने कहा कि मेरा वादा पूरा, आज मैं दोपहर 12:30 बजे 18वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर करूंगा, उसके बाद यह पैसा आप लोगों को 7 दिन के अंदर, यानी कि पैसा जाने में टाइम लगेगा, मतलब 7 दिन के अंदर ही अंदर आपके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 4,000 रुपए पहुंच जाएगा। साथ ही साथ मैं सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़कर ये भी कह रहा हूं कि अगर आप लोगों ने खाद और बीज योजना के लिए अप्लाई किया था तो 5,000 रुपए आपको अलग से दिया जा रहा। और देखिए इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आज देखिए हम खुश हैं भाई किसानों के ऊपर। तो देखिए, किसान जो कर्ज माफी योजना का कर्ज लिए हुए हैं, केसीसी कर्ज माफी योजना के तहत 1,00,000 रुपए का आज कर्ज भी माफ हो जाएगा। और इतना सब कुछ कहते हुए उन्होंने कहा, धन्यवाद आपका प्रिय मोदी, यानी कि उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी। आगे देखिए मैं लाइव प्रूफ दिखा रहा हूं कि देखिए बहुत सारे किसान साथियों के मोबाइल में मैसेज भी आया है। देखिए प्यारे किसान साथियों, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9,26,00,000 किसानों के बैंक खाते में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो धनराशि है सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं। और आप लोग लाइव देख रहे हैं, देखिए ये पैसा गया लाइव, आपने देखा कि किस प्रकार से देखिए पैसा गया है प्यारे किसान साथियों के मोबाइल में। अब मैसेज भी आएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए सभी किसानों को, जिन किसान भाइयों ने भाई 3 काम करवा रखे थे, चलिए मैं आपको बता दूं, उनके खाते में 18वीं किस्त का पैसा आज गया। यानी कि पिछले कई दिनों से इंतजार कर रहे थे अगली किस्त का, तो देखिए 18वीं किस्त का पैसा आज मोदी जी ने ट्रांसफर कर दिए। पीएम किसान योजना के तहत राशि जो है सीधे किसानों के खाते में आई, यानी कि सीधे किसानों के खाते में गया राज्य सरकार के द्वारा। अगर आप लोग भी देखिए अपने अपने राज्य में भाई नजदीकी सीएससी सेंटर केंद्र में जाकर आप लोग अपना ई केवाईसी भूमि का सत्यापन आधार सीडिंग का काम पूरा किया है, तो आप लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 18वीं किस्त का पैसा है वो ट्रांसफर कर दिया गया। और देखिए आप लोग ये काम भाई अपना मोबाइल ऐप के जरिए भी कर सकते हैं, ई केवाईसी या फिर भाई
पीएम किसान .gov.in आधिकारिक वेबसाइट पर भी जाकर कर सकते हैं। अगर ये काम किए हैं तभी आज जाकर आप लोगों को पैसा गया। देखिए, जिन्हें देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से नकार दिया है वो आज देखिए प्यारे किसानों को गुमराह लाइव है और आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त पैसा जो है वो जारी कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को मैं लाइव दिखा रहा हूं कि 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त पैसा 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो धनराशि है वो किसानों के खाते में जा रही है। एक और किस्त उनके खाते में जमा हो गई। देख लो प्यारे किसान साथियों, आप सभी लोगों के लिए मोदी जी ने एक बड़ा तोहफा दिया जिसका आप लोगों को इंतजार था, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है 4,000 रुपए की जो अगली किस्त है उस पैसे का हम सभी लोगों को काफी समय से इंतजार था। तो आज ये पैसा देखिए क्रेडिट किया गया पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ एक नई योजना जो शुरू कर दी गई आज से, यानी कि पीएम किसान मानधन योजना। जी हाँ, किसानों के भविष्य को सुरक्षित रखने के तहत देखिए मैं आपको बता दूं कि ये ऐलान कर दिया गया कि भाई देखिए 60 साल की आयु के पश्चात अब प्रति महीना 3,000 रुपए की पेंशन देने का प्रावधान भी लागू किया जाएगा। यानी कि अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति अगर 60 साल के यानी कि 60 साल की उम्र पूर्ण कर चुका है तो 60 साल के यानी कि पश्चात भाई तुरंत ही आप लोगों को 3,000 रुपए की पेंशन मिलने लगेगा। यानी कि भाई हर महीने 3,000 रुपए दिया जाएगा, तो इस हिसाब से आप लोगों को काफी ज्यादा लाभ होने वाला है। यानी कि भाई 3,000 रुपए मिलेगा तो 3,000 रुपए से आप लोगों का खर्चा चल जाएगा बुढ़ाई दार। ठीक है, चलिए अब देखिए पीएम किसान योजना का जो आप लोगों को मान लीजिए भाई 2,000 रुपए मिल रहा प्रति महीना, यानी कि प्रति महीना तो नहीं कहेंगे लेकिन 4 महीने में, और ये भाई 3,000 रुपए आपको अलग से दिए जा रहे हैं मानधन योजना के तहत, टोटल मिलाकर 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अगर आप लोग खाद और बीज योजना में भाई आवेदन कर देते हो तो 5,000 रुपए केवल खाद और बीज के लिए दिया जाएगा। इस हिसाब से 5,000 रुपए ये और 5,000 रुपए वो मिलाकर आप लोगों को भाई टोटल जो अमाउंट मिल रहा है मैं आपको बता दूं कि 10,000 रुपए आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि पीएम मानधन योजना, पीएम किसान योजना और भाई इसी के साथ हमारा जो खाद और सिंचाई योजना है इसके तहत मिलाकर आपको टोटल 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अभी देखिए ये मानधन योजना अभी शुरू की गई है। देखिए पीएम मोदी जी ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी थी, मोदी जी का ऑफिशियल ट्विटर है, ये देख सकते हैं इस समय तिरंगा लगा हुआ है, उन्होंने अपना लोगो बदल दिया। तो देखिए पीएम किसान मानधन योजना के तहत केंद्र सरकार हर महीने किसानों को 3,000 रुपए की पेंशन प्रदान करती है। यह योजना 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की आयु वाले कोई भी छोटी जोत वाले और सीमांत किसानों के लिए है जिसके पास 2 हेक्टेयर की खेती जमीन है। यानी कि भाई अगर आपके पास 2 हेक्टेयर भूमि है तो आप 60 साल तक ले सकते हैं इसका लाभ। ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए भी आप लोग भाई देखिए ले सकते हैं लाभ। ठीक है, यानी कि आप लोग टोटल उन्होंने साफ साफ किया कि देखिए पीएम मानधन योजना में 3,000 रुपए ले सकते हैं, इसी के साथ भाई पीएम किसान योजना यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 2,000 रुपए ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो रही तो मोबाइल नंबर भाई है आपके पास, आप मोबाइल नंबर के जरिए अपना अपडेट ले लीजिए, अपना पूरा स्टेटस चेक कर लीजिए। देखिए मोदी जी लाइव भाषण दे रहे हैं, देखिए कुछ भी ये है के लिए समझना जरूरी है। अब जब कोई किसान के साथ एग्रीमेंट करे, साथियों कृषि सुधारों का एक और अहम पक्ष भी ये है के लिए समझना जरूरी है। अब जब कोई किसान के साथ एग्रीमेंट करे, एक बड़ी खुशखबरी, पीएम किसान खाद योजना का पैसा मिलना शुरू, वो भी 11,000 रुपए। जी हाँ प्यारे किसान साथियों, आप सभी लोगों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी, 11,000 रुपए भारत सरकार की तरफ से अब खाद और बीज योजना के लिए दिया जाएगा। देख लीजिए भारत सरकार दे रही है किसानों को बीज और खाद के लिए 11,000 रुपए प्रति वर्ष। अब जानिए कैसे मिलेंगे। तो देखिए प्यारे किसान साथियों, आपको कुछ नहीं करना, अगर आप लोगों ने पीएम किसान योजना के तहत खाद और बीज योजना के लिए आवेदन किए हैं, मैं आधिकारिक पोर्टल भी बता देता हूं पीएम किसान .gov.in पर, तो
तो प्रधानमंत्री किसान खाद बीज और योजना के तरफ से, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तरफ से खाद और बीज योजना के लिए यानी कि ये नई पॉलिसी शुरू कर दी है, जिसमें किसानों की मौज आ गई। अब देखिए, बीज और खाद लेने के लिए मिलेंगे 11,000 रुपए। जानिए कैसे आवेदन करना। मैंने पूर्ण रूप से बता दिया कि अगर आपने खाद और बीज योजना में आवेदन कर रखा है, pmkisan.gov.in पर जाकर आप लोग आवेदन कर दीजिए। तो देख लीजिए, मैसेज भी आ गया, 5,000 रुपए किसानों को पहली किस्त मिल गई है। पहले 4,000 रुपए आप लोगों को पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त का पैसा जारी हुआ आज ही, और उसके बाद आज ही देख लीजिए, आज ही का मैसेज है, 5,000 रुपए खाद के लिए गया है, यानी कि कुल 9,000 रुपए आपको मिल चुके हैं। अभी 2,000 रुपए की एक और किस्त आ जाएगी, तो आपको 11,000 रुपए पूर्ण रूप से दे दिया जाएगा। धन्यवाद।